Here we are going to discuss balancing benefit and risk. We have been talking about risk-benefit ratio and many other similar topics in the very earlier days of this, these lectures. Now we have to see that how we can balance the benefits and risks. The incidence of obvious disregard for the welfare of the participants have led to closer scrutiny of potential risks before allowing a research project to go forward. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिसर्च प्रोडक्ट को इनिशिएट करने से पहले ये अच्छी तरह से देख लिया जाए कि उस रिसर्च में जो इंक्लूडेड पार्टिसिपेंट्स हैं उस उनको इस रिसर्च से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हॉरेंडस एग्जाम्पल इन्वॉल्व द गवर्नमेंट स्पॉन्सर तस्कीजी स्टडी तस्की स्टडी वॉज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई लाइट अन एथिकल रिसर्च विच वॉज बींग डन वे बैक इन नाइनटीन थर्टीज and uh, it says that uh, poor black cephalitic men in alabama were left largely untreated for the purpose of understanding how this ravaging disease progressed. now syphilis is a disease uh, in which a different kind of rashes appear on a skin and uh, mostly in all over the body and genitals and it creates a lot of distress and pain in any person who got that ना वो डिज़ीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट से ज़्यादा स्प्रेड होती है इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन इसको स्टडी करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है और ये कैसे साइकोलॉजिकली लोगों को डिस्टर्ब करता है उनकी लाइफ पे इसका इम्पेक्ट क्या होता है अ वेरी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट वाज डिज़ाइन जिसमें तकरीबन 400 लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे जिनको साइफल्स था और उसमें से कुछ से उनका ट्रीटमेंट विद हेल्थ कर लिया गया जस्ट ये देखने के लिए कि अगर उन्हें इलाज ना दिया जाए तो उनकी डिजीज़ की वजह से उनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा विच इज़ वेरी वेरी अनएथिकल और उन 400 में से काफ़ी सारी जो थी कांटेक्ट uh, की वजह से फीमेल्स जो थी उनको भी ये साइफल्स की बीमारी हो गई और उनके साथ जो उनके फिर काउंटर पार्ट प्रोड्यूस हुए उन बच्चों को भी uh, यही बीमारी हो गई तकरीबन 19 चिल्ड्रन एंड ऑलमोस्ट 49 नाइन वमेन ऑल्सो बींग इंगेज इन दिस डि डिजीज़ बिकॉज ऑफ़ दिस एक्सपेरिमेंट और उसमें से काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई तो इस तरह के जो अन ऐथिकल प्रैक्टिस हैं जो सिर्फ किसी भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों या किसी मेडिसिन के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो हैं उनको देखने के लिए हों या डिजीज जो है उसको अगर प्रिवेंट ना किया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसे देखने के लिए किया जाए जिसमें ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रिस्क पे चली जाएँ दे कंसिडर टू बी वेरी अन ऐथिकल एंड दिस डेज वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ हैविंग एनी सच एक्सपेरिमेंट डिजाइन चाहे वो प्रिजनर्स के साथ हो या वो किसी और वनरेबल पॉपुलेशन के साथ हो दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी जस्टिफाइड वन हाई प्रोफाइल केस इंक्लूड मेडिकल रिसर्च एट प्रिस्टीजियस इंस्टीट्यूशन वेर एक्सपर्ट्स ओन असैसमेंट ऑफ रिस्क और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स पॉज अल्टीमेटली डीम्ड इनसफिशेंट रिजल्टिंग इन दैट्स एंड मेजर इम्पेयरमेंट ऑफ वॉल्टियर्स बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि कोई इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया गया था उनको पहले इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में नहीं बताया गया था और मेडिकल रिसर्च जो हैं उनके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रिसर्च के प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो फुली इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वी डिस्कस्ड कि प्रॉपरली जो है वो हमें अपने जो है वो पार्टिसिपेंट्स को बतानी चाहिए देन कैलकुलेटिंग अ रिस्क बेनिफिट रेशियो इट्स अ क्रूशल ऑल दो ऑफन वेरी ट्रिकी कि क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है इन जनरल इफ़ द project इज considered substantial एंड वाइटल द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेड रिस्क कैन बी higher. अगर हम स्पेसिफिकली कोविड के इरा की बात करें तो कोविड के इरा में चूंकि एक बहुत अचानक से एक डिज़ीज़ आई जिसके ऊपर पहले से इतनी रिसर्च और उसके ऊपर इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे तो जो भी आपको मेडिसन अवेलेबल हुई जो भी वैक्सीन अवेलेबल हुई ऑल दो उनके ऊपर बहुत प्रोलॉन्ग रिसर्चेज नहीं हुई हुई थी क्योंकि उनके लिए टाइम ही नहीं था लेकिन उनके लार्जली uh, उनका बेनिफिट देखते हुए उनको जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और जनरल पॉपुलेशन को वो लगाई गई तो दिस इज आल्सो वन वे वी कैन सी द रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो क्योंकि अगर वो वैक्सीन ना दी जाती तो उसके मुकाबले में जो रिस्क था वो तो बहुत ही फेटल था कि जो कोविड है दैट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग सो यहाँ पर हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो को समझना काफी आसान हो जाता है क्योंकि इसके मुकाबले में एक ऐसी वैक्सीन लगाना जो कंपैरेटिवली सेफ कंसीडर की जा रही है और मे भी कोई उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी तो वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू के कोई इस डिजीज का शिकार होने की वजह से इंस्टेंटली अपनी जान से चला जाए स्पेशली इफ द पार्टिसिपेंट्स माइ बेनिफिट फ्रॉम सम टाइप ऑफ इंटरवेंशन नाउ रिस्क एंड बेनिफिट इफ रिस्क आर नोन टू बी लो एंड कंसिडरेबलफिट्स मे रिजल्ट रिसर्च इज लाइकली टू बी अप्रूव दिस इज वेरी सिम्पल फॉर्मूला अगर रिस्क कम है फायदा ज्यादा है तो रिसर्च अप्रूव हो जाएगी बट वैन नोन रिस्क आर हाई एंड द लाइकलीहुडि लो और अन नॉट लाइकली टू रिसीव अप्रूवल ये भी अंडरस्टैंडेबल बात है जब रिस्क ही ज्यादा है और फायदा कम हो रहा है तो रिसर्च अप्रूव नहीं होगी एक्सेप्ट देर आर इन स्टेट एंड देयर आर नो अदर वेज टू हेल्प दैम एग्जैक्टलीगजाम्पल ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक तरफ जो है वो कोविड से जान जाने का डर है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर हो रही है तो वहां पर वो एक इनएविटेबल स्टेट है जहाँ पर आप प्रिफर करेंगे कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें Then, as one gets closer to the middle, moderate risk and moderate potential for benefits, the decision डिसम more complex. जैसे जैसे रिसर्च इनिशिएट होती है प्रोग्रेस होती है और चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती हैं तो ये डिसीजन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि रिस्क और बेनिफिट जो है वो आपके सामने क्लियरली स्टैंड हो रहे होते हैं एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंसेंट फॉर्म्स एड पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड इवन बिकम मोर क्रिटिकल जैसे अभी हम बात करेंगे कि एक वैक्सीनेशन जो हैं वो ट्राई की गई जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनीशन दी गई फिर इसी तरह हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट्स दिए गए अब वो ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं और रिसर्च बताती रहती है कि ये ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट से बेहतर है इसी तरह जैसे भी टाइम टू टाइम कोविड की वैक्सीनेशन पर रिसर्च होती जाएंगी तो ये पता लगता जाएगा कि कौन सी वैक्सीनेशन दूसरी वैक्सीनेशन से किस लिहाज से बेहतर है सो यू नो दिस इज़ अ पार्ट इन विच पर्सन हैज टू गो थ्रू but looking at the risk-benefit ratio at the moment of that time the researcher has to decide that whether he should go for the approval of that research or whether he is going to stop that research